बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम व्यूअर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ कोरमा मसाला। ये देगी कोरमा मसाला है जिससे हम कोरमा जो है चिकन का बनाएं या बीफ का बनाएं या मटन का बनाएं, इसे इस्तेमाल करके बिल्कुल वही जायका आएगा जो कि देग के कोरमे का आता है। तो उसके लिए जो हमें इन्ग्रीडियंट्स चाहिए, जो मसाले चाहिए, वो मैं आपको डिटेल्स बता देती हूँ। ये है 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 10 से 12 काली मिर्चें हैं ये हाफ़ टी स्पून या 1 टीस्पून जो है ये है सौंफ मेरे पास, ये हाफ़ टी स्पून काला ज़ीरा है, ये जायफल जावित्री है। देखें 3 पीसेस मैंने जावित्री के जायफल के लिए हैं और ये 2 छोटे पीसेस जो हैं ये जावित्री के हैं। तकरीबन 3 जो हैं ये देखें, ये हमारे पास जो है वो दालचीनी स्टिक्स हैं, 2 बड़ी इलायची ली हैं, काली इलायची 2 ली हैं और ये 4 मैंने छोटी इलायची ली हैं। 1 टेबल स्पून मैंने लिया है साबुत धनिया, ये भी 10 से 12 जो है वो लौंगे हैं मेरे पास। 1 टीस्पून नमक है और ये 1 टेबल स्पून भर के जो है वो लाल मिर्च पाउडर है। अब मैं इन तमाम चीज़ों को ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी, तो आइए मैं इनको ग्राइंड कर लेती हूँ। पहले ये देखिए व्यूअर्स, सारी चीज़ें मैंने जो है वो ग्राइंडर में डालनी है, अब मैं इन्हें ग्राइंड कर लूँगी। ये लीजिए व्यूअर्स, मसाला पीस के तैयार है। अब मैं इसमें तकरीबन 1/2 टेबल स्पून या 1 टीस्पून के करीब जो है कश्मीरी लाल मिर्च, पिसी कश्मीरी लाल मिर्च मिक्स कर रही हूँ ताकि इसका कलर और ज़्यादा अच्छा और रेडिश सा हो जाए। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। ये जो मसाला तैयार हुआ है हमारा, ये तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब मसाला हमारा रेडी हुआ है। ये 1 किलो बीफ या चिकन के लिए इनफ होगा। अगर आप हाफ़ बना रहे हैं तो इसका हाफ़ डालें, वरना 1/2 टेबल स्पून आप इसमें ऐड करिएगा। और अगर आप 1 केजी बना रहे हैं बीफ मटन या चिकन, तो आप इसको पूरा का पूरा 3 टेबल स्पून आपने ऐड करना है इसमें। ये हमारा कोरमा मसाला बनके रेडी हो गया है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आप इसको सेव कर सकते हैं, ज़्यादा मिकदार में बनाना है आप ज़्यादा मिकदार में बना लें, जितनी आप गोश्त की मिकदार बढ़ाएंगे उस हिसाब से मसाले की मिकदार को इंक्रीज़ कर लीजिएगा। ये 1 केजी के हिसाब से आपको मसाला बताया है मैंने। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ ज़रूर हाज़िर होंगी। जब तक के लिए नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।